आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमय ट्रेन यात्रा की है जिसमें एक पूरा का पूरा ट्रेन गायब हो गया और आज तक उस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला। इस कहानी की शुरुआत होती है इटली में 14 जून 1911 को। आज से करीब 112 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है, एक नई नवेली ट्रेन जिसे पटरियों पर पहली बार लाया गया था। क्योंकि इस ट्रेन का यह पहला सफर था तो इसे यादगार बनाने के लिए और कंपनी इस ट्रेन के प्रचार के लिए फ्री ट्रायल देती है और 100 ऐसे यात्रियों को चुनती है जिन्हें इस ट्रेन पर फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। फ्री खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और फिर यात्रियों को वापस लाना, सब कुछ फ्री था। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगी हुई थी। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है क्योंकि एक तो पहली यात्रा और ऊपर से फ्री ट्रायल, ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बेहद खुश होते हैं। वहीं ट्रेन के स्टाफ लोगों की भरपूर सेवा करते हैं। जेनेटी नाम की ये ट्रेन अपनी गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ती जाती है जिसे जाते हुए कई लोगों ने अपने आंखों से देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। वो सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अब यहाँ होता यह है कि ये ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो जाती है लेकिन दूसरे छोर से कभी बाहर निकलती ही नहीं है। इसके अंदर जाते ही ये 3 डब्बे वाली ट्रेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जो ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही 112 साल बाद इस ट्रेन का आज पता लगाया जा सका है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से आपको हैरानी हुई है ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो उस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को सुरंग तक जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया था। जब कई घंटों तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ एक हड़कंप मच गया और ये बात समूचे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली ये ट्रेन लोम्बार्डी नाम के एक सुरंग में गायब हो गई है। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को 1 दिन से ऊपर का समय बीत चुका था, जिसका केवल एक ही मतलब था कि जेनेटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ असल में क्या हुआ है ये जानना अब बेहद जरूरी था। सभी का शक इस रहस्यमय सुरंग के ऊपर ही था तो सुरंग के चप्पे चप्पे को छाना गया। लोगों को शक था कि सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सुरंग में ना कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही उस ट्रेन का पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता जाता है और जांच का कोई नतीजा नहीं निकलता, ट्रेन का कोई भी सुराग नहीं मिलता तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है जिससे इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है क्योंकि इसके 106 नागरिक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं था। हालांकि मीडिया के इस बदनामी ने इटली को एक उम्मीद की किरण तब दिखाई जब मैक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक से सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे। लेकिन टनल से पहले ही वो लोग ट्रेन से नीचे कूद गए थे। उनकी ट्रेन से कूदने की वजह थी घना और काला सफेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाजें जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दिया। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए जिसके कारण उन दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी। किस्मत से वो दोनों बच भी गए क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने ट्रेन के स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वे लोग कूदने में तो कामयाब जरूर हुए थे लेकिन इसके चलते उन्हें काफी चोटें भी आई और वे कई घंटों तक वहां बेहोश भी पड़े रहे जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। बाद में इस दावे की जांच हुई लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके बात का भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मैक्सिको के एक डॉक्टर का जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसा के कुछ ही समय बाद 104 मरीज एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वे सभी मानसिक रोगी थे जिनकी हरकतें और बातें दोनों ही बड़ी अजीब थी।
उस डॉक्टर ने उनसे यह जानने की कोशिश भी की उनके साथ क्या हुआ था, उनकी ये हालत किसने और कैसे की, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी बता नहीं पाए। इस दावे पर इटली भरोसा तो करना चाहता था, लेकिन इस दावे की बुनियाद कहीं ना कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मैक्सिकन यात्रियों को मिला लिया जाए तो ये कुल संख्या 106 ही बनती थी। लेकिन जब वो महिला डॉक्टर ने बताया कि वे सभी इलाज के बाद कहां गायब हो गए, ये किसी को नहीं पता, इस दावे को भी नकार दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वे सभी एक ही जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वे सभी इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफी नहीं था कि इस बात पर यकीन किया जाए कि वे सभी जेनेटी के ही यात्री थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक साथ मिलते हैं फिर एक साथ गायब भी हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में कहीं ना कहीं जांच को रोक दिया था, और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य बनकर ही रह गया। जांच यहाँ भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखा गया है। कभी ये ट्रेन रोमानिया में देखी गई तो कभी रसिया में, इसे जर्मनी, मैक्सिको, यहाँ तक कि भारत में देखे जाने का भी दावा किया गया है। और ये भी बताया गया है कि इन सभी जगहों पर जेनेटी का वही मॉडल और हूबहू वही 3 डब्बों वाली वही ट्रेन देखी गई है जो लोम्बार्डिया से गायब हुई थी। ऐसे ही एक आप बीती है यूक्रेन के जावालिच स्टेशन की, जहां पर जेनेटी जैसी एक 3 डब्बे वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद छोटा था, जहां केवल उस समय केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो थे स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस ट्रेन को अपनी आंखों से देखा है जो बिना किसी पटरी और बिना टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और फिर स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वे गौर से उसे देखते हैं तो सचमुच की एक ट्रेन ही थी जो हूबहू जेनेटी जैसी दिखती थी। लेकिन फिर बाद में ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। यह देख स्टेशन मास्टर बेहद घबरा जाता है और जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है, लेकिन जब इसकी जांच होती है तो पता ये चलता है कि वो जो जगह स्टेशन मास्टर ने बताई थी वहाँ एक इटालियन कब्रिस्तान था, जहाँ करीब 2000 से ज्यादा सैनिक दफन थे। हालांकि इस रहस्य के पीछे का रहस्य तो कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने जो ट्रेन का हुलिया बताया उसने सबको हैरान जरूर कर दिया, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो हूबहू जेनेटी से मिलता था, जिसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी कुछ भी नहीं सुना था। इसी तरह का एक दावा मैक्सिको से भी किया गया। जब मैक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया तब समय था साल 1840, मतलब जेनेटी ट्रेन के स्वरूप में आने से भी करीब 71 साल पहले ही इस ट्रेन को मैक्सिको में देखी जा चुकी थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि 1845 के बाद से पहली बार 1911 में ही इस ट्रेन को देखा गया था, जब ये सचमुच जेनेटी के रूप में आई और आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास आज भी इटली में दर्ज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखी तो गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमय रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ये ट्रेन जेनेटी जब सुरंग में गई थी तो ये एक तरह की टाइम मशीन या टाइम लूप में चली गई थी और समय यात्रा पर निकल पड़ी। आसान भाषा में कहें तो साल 1911 से निकलकर ये ट्रेन किसी और समय, जैसे साल 1845 या फिर किसी दूसरे समय काल में पहुंच जाती है। यही कारण है कि ये कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं होता, लेकिन जब इस रहस्यमय ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है कि ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ, इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी, इसकी पहली यात्रा और इसका टनल का भीतर जाना सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है, और तो और इसका लोम्बार्डिया सुरंग के अंदर से लापता हो जाना, ये सभी बातें सच है। ऐसे में यही ख्याल आता है कि इस ट्रेन को जमीन खा गई या तो आसमान निगल गया। एक समूची ट्रेन जिसके सभी रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं, वो आखिर कभी मिली क्यों नहीं? और तो और अलग अलग समय में दुनिया के अनेक हिस्सों में इसके दिखाई देने के सबूत भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहस्य इस ओर इशारा तो जरूर करता है कि ये ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जिसके चलते ये आज भी समय यात्रा पर निकली हुई है, जो कभी समय से पीछे चली जाती है तो कभी समय से आगे निकल जाती है।
क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे ही रहस्यमय विमान हादसे भी हुए हैं जब समूचा विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला, और उनके बारे में भी यही कहा गया कि वो समय यात्रा का शिकार हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे जेनेटी भी समय यात्रा का शिकार हुई। इसी तरह से चीन में रूट 375 से 14 नवंबर 1995 को एक चलती बस रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।